नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की, खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। तो आज सबसे पहले केंद्र सरकार के द्वारा अपनी ही महत्वाकांक्षी योजना से हाथ खींचने वाली खबर की छानबीन करेंगे। उसके बाद नई सड़कों पर निजी वाहनों से टोल टैक्स नहीं वसूलने के मध्य प्रदेश के निर्णय वाली खबर की खोजबीन की जाएगी। फिर मध्य प्रदेश के बांधों की सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले इंजीनियरों को 2 साल तक की सजा और अर्थदंड लगाए जाने वाली खबर की जानकारी देंगे। और इस प्रोग्राम के अंत में खास सेगमेंट चलते चलते में मैं आपको 2 महिला ब्यूरोक्रेट्स का बेहद रोचक किस्सा बताऊंगा। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। केंद्र सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए 5 साल पहले प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना शुरू की थी। केंद्र सरकार ने अपनी ही महत्वाकांक्षी इस योजना से धीरे धीरे हाथ खींच लिए। अब हालात ये हैं कि इस योजना में केंद्र सरकार मध्य प्रदेश को फूटी कौड़ी नहीं दे रही। हालांकि मध्य प्रदेश की सरकार अपने सीमित आर्थिक संसाधन से केंद्र सरकार की इस योजना का बदस्तूर संचालन कर रही है। इस योजना के संचालन में केंद्र सरकार की 60% और राज्य सरकार की 40% आर्थिक हिस्सेदारी तय की गई थी। शुरुआत में केंद्र सरकार ने इस योजना के वास्ते अपना खजाना खोल दिया था। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 4,79,00,000 की राशि दी थी, लेकिन अगले वर्ष में ही केंद्र सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना का फंड घटा दिया। वित्तीय वर्ष 2019-20 में मात्र 31,46,000 की राशि मध्य प्रदेश सरकार को दी गई। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार ने इस योजना में मध्य प्रदेश सरकार को फूटी कौड़ी नहीं दी, जबकि मध्य प्रदेश की सरकार ने इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 से लेकर वित्तीय वर्ष 2021-22 तक बजट में पर्याप्त राशि का प्रावधान किया। वित्तीय वर्ष 2019-20 में मध्य प्रदेश की सरकार ने 20,10,000, वित्तीय वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश की सरकार ने 18,55,000 और वित्तीय वर्ष 2021-22 में 14,30,000 की राशि बजट में इस योजना के लिए रखी थी। वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने महिला शक्ति केंद्र योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, यौन उत्पीड़न वाली महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना के साथ ही 7 अन्य योजनाओं को भी भविष्य में जोड़ा जाना था। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाने की योजना थी, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का अनुभव कर सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के जीवन स्तर को बढ़ाना था। इस योजना के क्रियान्वयन के माध्यम से बालिकाओं की बचत और उनके जीवन की शुरुआत उनके प्राथमिक के साथ माध्यमिक शिक्षा और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार किया जाना था। इस योजना के तहत पिछड़े जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करना था। इस योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 5 साल पहले प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना की शुरुआत की थी। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण शर्मा। प्रवीण शर्मा जी, आपका इनसाइड राजतंत्र में स्वागत है। प्रवीण जी, 5 साल पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना से केंद्र सरकार ने हाथ खींच लिए हैं, इसको किस तरह देखते हैं? धीरे धीरे राशि घटा दी गई है इस योजना में। उमेश जी, आधी आबादी का 70% हिस्सा जो है गांवों में निवास करता है, और आपको पता होगा जो जितने भी सेंसेक्स अपने आए हैं जी, पिछले सेंसेक्स में महिलाओं की स्थिति बहुत कमजोर साबित हुई है, खासकर आर्थिक रूप से महिलाएं काफी पिछड़ी हुई दिखी है सभी सर्वे में, सभी गणना में, सेंसेक्स में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए योजना शुरू की गई थी, ताकि ग्रामीण महिलाओं की खासकर जो पिछड़े जिले हैं उनकी जो महिलाएं हैं, रहने वाली लड़कियां हो, बालिका है और महिलाएं, इनकी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए, उनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए, उनकी आजीविका को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना शुरू की थी,
और लगा था कि इस योजना में आगे भी जो है बजट बढ़ाया जाएगा, मगर जो रवैया अपनाया गया है कि पहले टर्म में मोदी सरकार की ये योजना जो है ओल्ड एज होम की नजर आएगी, खासकर सरकार का खुद का जो है विश्वास इस योजना से हटा है, इसी के बढ़ाने की सरकार भी इससे हाथ खींच रही है, अपना हिस्सा उन्होंने बंद कर दिया है। लेकिन चूंकि ये अच्छी योजना थी ग्रामीणों की क्षेत्र की महिलाओं में, इससे योजनाओं का असर दिखने को मिल रहा था, इसी के चलते अब मध्य प्रदेश सरकार न चाहते हुए भी, संकल्प न होते हुए भी योजना को आगे रखी हुई है। ये एक अच्छी बात है क्योंकि इससे विकास दिख रहा था, खासकर जो उद्देश्य था योजना का वो कहीं ना कहीं पूरा होते दिख रहा था। महिला बाल विकास विभाग के अंदर जो योजना चल रही है इसमें जो है ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में काफी कुछ उत्साह आया था, उनको अपनी क्षमताएं बचाने का मौका मिला था। मुझे लगता है कि इसको केंद्र सरकार को फिर से इस पर विचार करके शुरू करना चाहिए। प्रवीण जी, एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, वहीं दूसरी तरफ योजना में राशि देना बंद धीरे धीरे कर दिया गया है, ऐसे में फिर महिलाओं का सशक्तिकरण और महिलाओं का विकास कैसे होगा? निश्चित रूप से ये जो है कर्मी और कर्मी में अंतर दिखाई देता है इस मामले को लेके। एक अच्छी योजना जिनका इनका आउटपुट भी अच्छा आने लगा था, जो उद्देश्य थे उन उद्देश्यों में योजना आगे चल रही थी, अपनी महिलाओं को जो सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के विकास के लिए योजना काम आई थी, उनकी आजीविका का भी एक हिस्सा बनना था, और खासकर यह है कि जो महिलाएं पिछड़ गई थी उनको आगे लाने की योजना विकास साबित हो रही थी। मुझे लगता है कि फिर से ध्यान दिया जाना चाहिए, और ये जो अंतर दिखाई दिया है कि आप बोल कुछ रहे हैं पूरे देश में, आप सशक्तिकरण को, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर योजनाएं चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, बड़े बड़े इसके वादे और दावे किए जा रहे हैं, और इस तरह से आर्थिक रूप से कोई एक अच्छी खासी योजना को केंद्र सरकार अपने ही कारणों से इसको खराब कर रही है, जो डंपिंग जोन में डाल दिया है, ये अच्छा संकेत नहीं है। और आज जरूरत है, अभी भी जरूरत है, बहुत जरूरत है कि महिलाओं के लिए, खासकर पिछड़े जिले हैं वहाँ की महिलाओं को आगे लाने के लिए, उनमें क्षमता विकसित करने के लिए इस तरह का प्रोत्साहन देने की एक वाले को योजना होना चाहिए, और ये उस दिशा में योजना सफल हो रही थी, क्यों बंद कर दी गई? अब केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, और मध्य प्रदेश सरकार अपनी ओर से इसकी जिंदा रखी है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलेगा मध्य प्रदेश सरकार को भी। प्रवीण जी, जब ऐसा नहीं लगता कि जब कोई बड़ी घटना होती है महिलाओं से जुड़ी, चाहे वो निर्भया जैसी हो या और भी दूसरी कोई बड़ी घटना हो, तब तो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी जाती हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे समय गुजरता जाता है उनको भुला दिया जाता है। कुछ इसी तरह इस योजना के साथ भी मध्य प्रदेश की सरकार के साथ इसी तरह का व्यवहार हो रहा है, क्या कहें? निर्भया